Hello, I am Professor Dr. Mahipal Singh Sachdev. I am the Chairman and Medical Director of Center for Sight Group of Eye Hospitals. I am the past President of All India Ophthalmological Society, as also presently the Chairman of Intraocular Implant and Refractive Society. I am a graduate, a postgraduate, and an ex-faculty member from the prestigious All India Institute of Medical Sciences. लेज़र विजन करेक्शन आज की तारीख में बहुत सालों से चल रही है और इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और ये इम्प्रूवमेंट्स आवश्यक भी थी क्योंकि हम नॉर्मल आईज़ के ऊपर एक प्रोसीजर कर रहे हैं जिससे कि व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है कि वो चश्मा ना पहने वो की जा सकती है। अब आप ये देखिए कि यदि आपको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करना है वो या तो एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हो सकता है, कस्टमाइज ट्रीटमेंट हो सकता है, या वो ट्रीटमेंट जो है वो एक जेनरिक ग्रुप के ऊपर चल सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि सपोजिंग मैंने एक ब्लेज़र ख़रीदना है तो वो कुछ होगा कि भाई स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, लार्ज साइज़ है, उसके हिसाब से व्यक्ति ले सकता है या उसको आदमी टेलर मेड कर सकता है। टेलर मेड इज़ ऑलवेज मोर प्रिसाइज एंड मोर परफेक्ट। तो कंटूरा विजन एक ऐसी टेक्निक है, और भी टेक्निक्स हैं, कस्टम व्यू वगैरह हैं, आपका आई लेसिक किया जाता है, क्यू वेव लेसिक है वगैरह, मगर जो कंटूरा विजन है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें के व्यक्ति की पुतली यानी के जो पारदर्शी कॉर्निया होता है जो फ्रंट पार्ट में होता है उसकी 22,000 पॉइंट्स के ऊपर उसको एनालाइज किया जाता है एक स्पेसिफिक मशीन के साथ। अब ये जो मशीन जो 22,000 पॉइंट है उससे उसका कॉन्टूर या कर्वेचर या वो किस आकार क्या है उसको मैप करती है और इस आकार और इस मैप के जरिए वो लेज़र के अंदर डेटा जाता है। अब ये जो लेज़र है जो एग्जाइमर लेज़र है जो कि कॉर्निया को रीशेप करने के लिए यूज़ होता है वो माइक्रोपल्सिस के साथ कॉर्निया के थोड़े थोड़े माइक्रॉन्स को बर्न करता है। ये जब टिश्यू आकार के हिसाब से यानी के जो कॉन्टूर गाइडेड जो आपके पास डेटा है उसके हिसाब से जब बर्न करता है तो जो कॉर्निया का कर्वेचर है सपोजिंग ये ज़्यादा कर्व्ड है तो इसकी पावर ज़्यादा है, अगर आप इसमें से टिश्यू निकालोगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, जब ये फ्लैट हो जाएगा तो इसकी पावर जो है वो कम हो जाएगी तो इससे माइनस का नंबर उतरेगा। यदि आपने प्लस का नंबर उतारना है तो अगर ये कर्वेचर है तो इसको साइड से पावर उसको बर्न करेंगे उससे वो ज़्यादा कर्व्ड हो जाएगा तो इसलिए उसकी प्लस की पावर उतरेगी, और अगर सिलेंड्रिकल है तो वो एलिप्टिकल फॉर्म में बर्न करेंगे। तो कॉन्टूर गाइडेड लेज़र या कॉन्टूरा विजन जो है वो अच्छे बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है जिसमें के मजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को 6-6 या 20-20 विजन होती है लेज़र के बाद, और उसमें से लगभग 25-30% ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि जो उनको चश्मे से या कॉन्टैक्ट लेंस से जो उनकी विजन होती थी उससे भी बेटर उनको विजन आती है जिसको के हम कहते हैं कि अबव नॉर्मल विजन यानी कि 20/16 विजन। सो ये इसका एडवांटेज है कि ये पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज ट्रीटमेंट है और लेज़र जो है वो बहुत जल्दी चलता है क्योंकि इट इज़ अ वेरी सुपर फास्ट लेज़र, इसकी रेपिटेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आउटकम्स जो हैं कॉन्टूरा विजन के वो बहुत अच्छे हैं और इससे जो व्यक्ति है उस वो चश्मे की ज़रूरत जो है वो काफ़ी हाई नंबर मतलब के 8-10 नंबर तक उसको उतारने में वो कामयाब रहते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि कस्टमाइज पर्सनलाइज जो लेज़र है वो पहले भी था, अब उसको और सोफिस्टिकेटेड और उसको पर्सनलाइज किया गया है ज़्यादा पॉइंट्स लेके, और वो आज की तारीख में हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो कंटूरा विजन की अवेलेबिलिटी है। फॉलो सेंटर फॉर साइट एंड पोस्ट योर क्वेरीज टू गेट आंसर्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स।